नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोण का फल आपके जीवन में कितना कुछ क्या फल देता है। कहते हैं कि जीवन में अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। हस्तरेखा शास्त्र में इसका जो जिक्र किया गया है, धन के आगमन को और धन को संचित करने का बड़ा काम करता है। कहीं पे भी ये सिंबल बन जाता है तो जीवन में धन की अधिकता को दिखाता है या धन के प्रोग्रेस के बारे में बताता है। ऐसे लोग जीवन में धन भी बड़ा इकट्ठा करते हैं, धन आने का संकेत भी बताता है। तो दोस्तों ये पार्ट टू का भाग है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। सबसे अपने पहले अपने हाथ की मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जितनी सुंदर स्पष्ट होगी, जीवन जीने की कला को सिखाती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे अटूट प्रेम संबंध को दर्शाती है। आज पार्ट टू में हमने शुक्र के माउंट के ऊपर देखते हैं कि क्या फल देता है। ये हमारा शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत के ऊपर त्रिकोण कहता क्या है। शुक्र जैसे माना जाता है लग्जेरियस, आनंदित, सुशोभित, सुंदरता, इन चीजों को लेकर यहां पर बड़ा विशेष फल देता है। ऐसे लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, जीवन में लग्जेरियस लाइफ चाहते हैं। और यहां पर देखें कि फिल्मी दुनिया में लोग जो होते हैं उनके शुक्र के माउंट के ऊपर ये त्रिकोण बनता है। कहते हैं कि यहां पे कला के क्षेत्र में कला ऐसी जो शुक्र की कलाएं दिखाएं, जो शौकीन हो किस चीज में कला के, फिल्मी दुनिया से ऐसी कला को सिखाता है। कह लो कि घर को सुंदरता को की तरफ आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे लोगों को जो जीवन होता है सुख बड़ी सौभाग्यशाली होते हैं, किस्मत के बड़े धनी होते हैं। इनको लग्जरियस लाइफ चीजों का बड़ा आनंद सुख प्राप्त होता है। ऐसे लोग कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में विशेष कौशल प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों का जो जीवन होता है बड़ा सुखमय जीवन होता है, और इनमें अपार सफलता मिलती है। और इनको अपने पार्टनर लाइफ से या अपने पार्टनर सपोर्ट से बड़े जीवन में ऊपर बढ़ने का सौभाग्य भी मिलता है। ऐसे लोग नई नई चीजों का, नई नई डिजाइनों का अपने जीवन में नया नया लुप्त भी उठाते हैं। और इसी प्रकार से ये केतु के माउंट के ऊपर, ये केतु का माउंट है, इसको हम केतु का माउंट बोलते हैं, केतु का पर्वत। केतु के पर्वत के ऊपर वैसे तो कहते हैं बड़ा शुभ फल प्रदान करता है। आज बचपन कैसा भी है आपका, आने वाला वक्त आपका बदल जाएगा। आप देखिए अगर आपके हाथों में ऐसा चिन्ह है तो बचपन वाला जो जीवन है बड़ा दुखमय जरूर होता है, लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने मन की इच्छाओं को जरूर पूर्त कर लेता है। और यहां पर ये त्रिकोण जो होता है रहस्यमय विद्याओं को, गुप्त विद्या को लेकर बड़ा रिसर्च करता है, गुप्त ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे कि ज्योतिष हो गया, पामिस्ट्री हो गया और कीरो हो गया, मतलब इन विद्याओं से जीवन में अपार सफलता को प्राप्त करता है और उसके सहारे एक नए मुकाम को भी हासिल करता है। और यहां पर जीवन में देखें तो उपलब्धियों का अंबार भी लगता है, जीवन में तरक्कियों का बेस भी बनता है। इसी के सहारे लोगों को जीवन में देखा गया है
काफी उपलब्धि प्राप्त करते हुए, और ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा सुख का अनुभव मिलता है, लेकिन वो भी अपने कर्म फल के द्वारा। और इसी प्रकार से ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलेंगे। चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा के पर्वत के ऊपर अगर यहां पर एक स्टार बन जाए, माफ करना, त्रिकोण बन जाए, यहां पर त्रिकोण बड़ा शुभ फल प्रदान करता है कलाकृतियों के प्रति, प्राकृतिक के प्रति, प्राकृतिक चीजों के प्रति, लेखन के प्रति। ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा निर्वाह की तरह, मन गंगा जल की तरह एक साफ सुंदर अस्पष्ट द्वारा, अस्पष्टीकरण के द्वारा जीवन की एक निर्जलता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, ऐसे लोग बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे विचारों के लेखक हो सकते हैं, और ऐसे लोग जीवन में देखें तो विदेश की यात्राएं बड़े करते हैं। अगर यहां पर आपके त्रिकोण बनता है चंद्रमा के माउंट के ऊपर, तो ऐसे लोगों की विदेश की यात्राएं बार बार होती हैं, और विदेश से जुड़े कारोबार भी अगर आप करते हैं तो जीवन में विशेष सफलता इनको प्राप्त होती है और जीवन में अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में देखें तो धन भी बड़ा संचित करते हैं। और इसी प्रकार से राहु के क्षेत्र के ऊपर, ये हमारा जो क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र राहु का है, तो यहां पर त्रिकोण कहता क्या है। यहां पर त्रिकोण अस्पष्ट रूप से बना हो, ऐसे लोग जीवन में अपार सफलता को पाया देखा गया है। कहते हैं ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां पाते हैं, और ऐसे लोग जीवन में अगर देखें तो यात्राएं बड़ी इनकी होती हैं। और ऐसे लोग अगर लकड़ी का सामान, कोयले का कारोबार, तेल का कारोबार करते हैं तो उनके दम पर इसमें विशेष सफलताएं, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और जीवन की हर वो इच्छाएं भी पूरी करते हैं। जीवन में देखें ऐसे लोग हमेशा जब भी उठे होंगे अचानक से ऊपर उठे होंगे, अचानक से इनको गेन मिलते हुए देखा जाता है, और ऐसे लोगों का जो मन है अचानक से अपने बेनिफिट, अपने काम को लेके जीवन में काफी उपलब्धियां प्राप्त किए हैं। और ऐसे लोग, राहु का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, अपने काम को लेके जीवन में बड़ी उन्नति तक सफलता प्राप्त करते हुए पाया गया है। और ऐसे लोगों को जीवन में लकड़ी का कारोबार, तेल का कारोबार या लोहे का कारोबार करके जीवन में विशेष उपलब्धियां, और देश विदेश की यात्राएं भी ऐसे लोगों को देखा गया है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।